हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो आज की वीडियो में मैं एक और आप लोगों के लिए सैलरी स्लिप लेके आया हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी आपको मतलब लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखे उतना आपको ताकि फ़ायदा हो, ठीक है। आपको पता लगे कि अभी करंट में सैलरी कितनी चल रही है। मैं साथ में आपको आइडिया भी दे दूंगा, मतलब नवंबर की भी मैंने आपको दिखाई थी, तो ये अगस्त की है, ज़्यादा लेट भी नहीं है। इसमें दो तीन चीज़ें चेंज होगी और आपकी नई सैलरी स्लिप जो है वो बनेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहले है, देखिए ये है आपका असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, गुवाहाटी जोन का है। तो यहाँ पे आपका जो एचआरए होगा वो होगा 18%, 18% आपका एचआरए होगा यहाँ पे। तो 18% एचआरए के हिसाब से आपका एचआरए 18% हो गया, 8082 बनता है। यहाँ पे जो बेसिक है इसका 4400 से स्टार्ट होता है। पे लेवल आपका 7 है और देखो 8 अगर ये पे लेवल हो गया आपका तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी आप ये भी देख लीजिए। तो 7 पे कमीशन है, अभी 8 पे कमीशन होगा तो आपका कितना उसमें सैलरी में इजाफा होगा वो आप नोट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए DNS अलाउंस यहाँ पे अगस्त में जो था वो 42% था DNS अलाउंस, बट अभी ये नवंबर में 46 मिल रहा था, तो अभी तो ये 46 मिलेगा आपको। तो ये 46 मिलेगा तो यानी कि आपकी जो सैलरी है वो बढ़ेगी। तो यानी कि 4400 का 46% आपका मिलेगा, तो ये 20,654 रुपये आपका बनेगा, ठीक है। ये आपका बनेगा DNS अलाउंस। तो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 2556 हो गया, स्पेशल अलाउंस 8980, आगे ये सारे तो लगभग सेम ही हैं। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आपका हो गया, मतलब इन्हें थोड़ा थोड़ा इजाफा होगा। तो जैसे 88346 है तो इसमें लगभग 2000 और जोड़ लीजिए, तो मतलब 76 में आप 2000 और जोड़ेंगे तो लगभग आपका 78,000 के आसपास आपकी इनहैंड सैलरी होगी। कुछ डिडक्शंस मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ एक DA रिवाइज हुआ है, 46% हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी चीज़ें चेंज होंगी, थोड़ी थोड़ी करके चेंज होंगी। जैसे ये एम्प्लॉय टीयर वन है, 10% बेसिक प्लस DNS अलाउंस का होता है, बेसिक का और DNS अलाउंस का। तो DNS अलाउंस थोड़ा सा बढ़ेगा तो हल्का सा ये NPS बढ़ेगा, लेकिन ये आपका NPS अकाउंट में ऐड होगा। प्लस 14% आपको गवर्नमेंट जो है वो बेसिक प्लस DNS अलाउंस का करके आपके हर मंथ NPS अकाउंट में आपका देती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी 11 के इनकम टैक्स डिडक्शंस हो गई हैं, तो इनकम टैक्स यहाँ पे काट लिया। कई बार क्या होता है, मैंने बहुत सी सैलरी स्लिप दिखाई जिसमें इनकम टैक्स डिडक्शन नहीं होती, तो 4000 से लगभग अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 4000 से 5000 के बीच में इनकम टैक्स आप डिडक्ट करिएगा, ठीक है। ये नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंड नहीं होगा। तो ये 76,412 है, तो ये लगभग अभी जो आपकी सैलरी बनेगी 78,000 के आसपास बनेगी, और इसमें आपका जो ये NPS है ये भी जुड़ेगा, ठीक है। 14% बेसिक प्लस DNS अलाउंस का आपका NPS जुड़ेगा, जो कि अच्छी खासी अमाउंट आपकी बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके की और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।